कोरोना टीकाकरण और संक्रमण को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने देश का पहला अध्ययन जारी किया है, जिसके अनुसार वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद 76% लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमण की चपेट में आने के बाद इनमें से केवल 16% लोग ही बिना लक्षण वाले मिले, जबकि करीब 10% को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अध्ययन के दौरान 361 लोगों की जांच में 274 की RT-PCR जांच पॉजिटिव पाई गई। वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के 14 दिन बाद ये लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर चल रहे विवाद पर भी ICMR ने स्पष्ट किया है कि कोविशील्ड लेने वालों में अधिक एंटीबॉडी बन रही, जबकि कोवैक्सीन लेने वालों में एंटीबॉडी 77% भी मिल रही। ICMR की लैब में देश भर से वैक्सीन ले चुके 361 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। जांच में सभी सैंपल कोरोना संक्रमित मिले, लेकिन 87 सैंपल को अध्ययन से बाहर करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं ली थी। जांच में 274 लोगों में वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद संक्रमण का पता चला। इनमें से 35 यानी कि 12.8% लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराक ली, जबकि 239 यानी कि 87.2% ने कोविशील्ड की दोनों खुराक ली थी। इसी साल 1 मार्च से 10 जून तक चले अध्ययन में ये पता चला कि कोवैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद संक्रमित हुए 43% स्वस्थ कर्मचारी थे, जो दूसरी लहर के दौरान कोविड वार्ड जैसी जगहों पर कार्य कर रहे थे। वहीं कोविशील्ड लेने के बाद 10% स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित मिले। दो खुराक लेने के बाद संक्रमण की चपेट में आने के बीच औसत अवधि 45 दिन देखी गई, जबकि कोवैक्सीन लेने वालों में 33 दिन के दौरान ही संक्रमण हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।